आसपास लोग कहेंगे औरतों का कब्रिस्तान में जाना गुनाह है, आराम है, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो जिन 5 जवानों को जारी मुकाबला में रियासती दरिंदगी का जो शिकार हुए, जिनको शहीद कर दिया रियासती इदारों वालों ने झूठी फेक इनकाउंटर में, उनको शहीद किया, क्या वो गुनाह नहीं? मैं चाहती हूँ कि उसके हवाले से भी, रियासती जुल्म जब्त के हवाले से भी आप लोग कोई फतवा दे। अगर आप फतवा देते हैं, आज मैं यहाँ आई हूँ उन 5 जवानों में से एक जवान यूसुफ मरी को ही 14 कब्रिस्तान में सुपर खाक कर दिया गया है। 8 मार्च को जहाँ पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में बलोच माओं को, बहनों को, उनके भाइयों की, उनके बेटों की लाशें धोखे में दिया जाता है। रियासती जुल्म जब्त के शिकार होते वो जो जबरन अगवा किए जाते हैं, अगर उनको लापता किया गया, समीउल्ला, जमील अहमद, यूसुफ मरी और 5 उनके साथ 2 और जवान थे, उनको मुख्तलिफ अवकात में उनको जबरन लापता किया गया था और FIR में उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई थी। उसके बाद इस प्लेनजी में फेक जाली इनकाउंटर, एक तो उनको दौरान टॉर्चर्स, उनको गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद भी किया गया होगा और उसके बाद उनको शहीद करके मुकाबला का नाम दिया गया। रियासती जुल्म व जबर इंतहा को है, अपने अदे पार कर रहे हैं। हम क्यों डरे मरने से? हम रोज़ मर रहे हैं जिन अजियतों से, उन तकलीफ से। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ, मैं तसव्वुर करती हूँ उन तमाम शहीदों को जिनको रियासत ने शहीद की, जो सरजमीन बलूचिस्तान के लिए शहीद हुए, मैं तसव्वुर करती हूँ उनकी रूहें यहीं पर होंगी। वो कहीं पर भी बलूचिस्तान के किसी कोने में या बलूचिस्तान से बाहर कहीं पर भी सुपर दिखाक हो, लेकिन मैं तसव्वुर करती हूँ कि रूहें यहीं पर होंगी। यहाँ पर ऐसे बहुत से शहीद हैं जो बलूचिस्तान के लिए शहीद हुए, ऐसे बहुत से हैं जिनको जबरन लापता किया गया, बाद उनकी मुसख्शुदा लाश फेंक दी गई और उनको यहाँ सुपर खाक कर दिया गया है। और 8 मार्च को भी रियासत ने जिस तरह 5 जवानों को एक तो जबरन लापता किया, जो 2 पेशी में को पेश भी किया, और घर वाले उनके हवाले से क्या खबर लाएंगे, लेकिन रियासत ने जिस तरह जुल्म जब की इंतहा की अपनी दरंदगी का निशाना बनाया, ये पहला वाकया नहीं। इससे पहले भी 4 जवानों को एक तो जबरन गिरफ्तार किया, अगवा किया, उनसे जबरन एक वीडियो बनाया गया, उनके बाद जब उनकी पेशी होने वाली थी उनको जारी मुकाबले में शहीद कर दिया गया। ये पहला और आखिरी वाकया नहीं होगा, इसके बाद भी रियासत इस तरह करता रहेगा। अगर हम खामोश रहेंगे ये सोच कर कि हमारे साथ भी ये होगा, ये वो तो वैसे भी होना है, एक न एक दिन हम सब के साथ ये होना है। हम सब को रियासत मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। उससे पहले इस रियासत की दरिंदगी को, इसकी असलियत को पूरी दुनिया के सामने अश्कार करना होगा, हमें हम सब को आवाज़ बुलंद करना होगा। इन शहीदों की लहू की कसम, इस खाक की कसम, हम ऐद करते हैं कि आखिरी सांस तक हम रियासती जुल्म जब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और रियासत की असलियत, इसके असल चेहरे को, उसकी दरंदगी को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे।